हे गाइस, दिस इज का स्वागत है आपका ब्लास्टर न्यूज में। तो आज हम बात करने वाले YouTube एंड अदर सोशल मीडिया अपडेट्स के बारे में। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे जट प्रभजोत के बारे में। तो भाई जैसा कि आप सब जानते हो, जट प्रभजोत कुछ दिनों से अपने चैनल पर एक्टिव नहीं है, कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर रहे एंड वो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी एक्टिव नहीं है, जिसका रीजन था कि भाई वो कोविड पॉजिटिव हो गए थे एंड इस चीज की इन्फॉर्मेशन कल उन्होंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करके दी, आप देख सकते हो। हम आपको बताने आए, मेन तो हम पिछले 15-16 दिन से कहां गायब थे। काफ़ी सारे मैसेजेस, काफ़ी सारे कमेंट, काफ़ी सारी ईमेल्स कि भाई कहाँ गायब हो, कोई वीडियो नहीं डाल रहे, कोई इंस्टाग्राम पे स्टोरी नहीं डाल रहे, मतलब हम बिल्कुल सोशल मीडिया से गायब हो गए थे। इंस्टाग्राम में थोड़ा बहुत चला रहा था, यूट्यूब थोड़ा बहुत वीडियोस देख रहा था, लेकिन कुछ अपलोड नहीं कर रहे थे, मतलब बिल्कुल गायब ही थे एक तरह से। तो ये अराउंड 20 तारीख की बात है, 20 तारीख को शाम को ना मेरे को लगा मेरी तबीयत हल्की हल्की ख़राब हो रही है। 20 को या 21 को? 20 को हल्का लगा था, 21 को ज़्यादा लग रहा था कि हाँ 21 को तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई फीवर चढ़ गया है। तो मैंने पहले बता दूं आपको कि मेरा कोविड पॉजिटिव आया था, पूरी फैमिली में सिर्फ मेरा ही पॉजिटिव आया था। ये भी बहुत ज़्यादा हैरानी वाली बात है कि इतनी बड़ी फैमिली के साथ मैं रहता हूँ, हाँ ये मेरे साथ रहती है, इसका नहीं आया, इसका नहीं आया। मतलब जब मेरे को सिम्टम्स आने शुरू हुए थे ना, तो उसके बाद भी ये 3 दिन मेरे साथ थी, लेकिन इसका नेगेटिव आया, मेरा पॉजिटिव आया। ये 21 तारीख शाम की बात है मेरी। उन्होंने बताया कि उन्होंने क्वारंटाइन के दौरान एक वीडियो सीरीज बनाई है, जिसमें वो बताया कि भाई क्वारंटाइन के दौरान उनका कैसा क्या शेड्यूल था एंड वो किस टाइप की प्रिकॉशंस वगैरह ले रहे थे। एंड भाई उस सीरीज का फर्स्ट उनके चैनल पर आ चुका है, तो भाई अगर आपको वो वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां जाकर देख सकते हो। तो भाई चलिए अब हम बात करते हैं हर्ष बेनीवाल के बारे में। तो भाई हर्ष बेनीवाल का कोलैब वीडियो आया है बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ नेटफ्लिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पर। तो भाई अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां जाकर देख सकते हो। ऑल्सो भाई उनके मेन चैनल का जो न्यू वीडियो है दारू विद डैडी का शूट स्टार्ट हो गया है, कुछ दिनों में आपको वो वीडियो भी देखने को मिल जाएगा। तो भाई चलिए हम बात करते हैं हिंदुस्तानी भाव के बारे में। तो भाई हिंदुस्तानी भाव कल अपने ट्विटर पर लाइव आए एंड वो बात किए हाथरस केस के बारे में। तो भाई वो क्या कहे आप भी देखिए। ये कानून, ये सिस्टम अंधा हो गया ना, वो बच्चे के घर वाले कुछ नहीं कर सकते ना, पर उनके जो दिल से बद्दुआ निकलेगी ना, ये कहीं ना कहीं एक बार आपके घर वालों के साथ भी ऐसा होगा, तब आपको पता चलेगा किसी गरीब के घर में जब बच्चे के साथ ऐसा होता है तो क्या तकलीफ होती है। अभी भी वक्त है, जितने भी पार्टी है ना, हर पार्टी को एक बोलता हो, एक साथ आ जाओ और एक कानून निकालो, जो भी साला रेपिस्ट ऐसा करेगा उसको सरेआम सरेआम बीच चौराहे पे लाओ, पर उसको ठोक डालो, साले को काट डालो, साले को एक सिस्टम ऐसा करो, बाकी सब हर चीज में राजनीति करो। आज तक करते आए आप लोग, ये चीज में मत करो, क्योंकि आपके भी घर में बहन बेटी है, कभी उनके साथ हुआ ना तो फिर पता चलेगा। हा? तो जितना हो सके ना आप लोग ये कानून बनाओ कुछ तो। तो भाई चलिए हम बात करते हैं कैरी मिनाटी के बारे में। तो भाई कैरी मिनाटी बन चुके हैं सेकंड इंडियन यूट्यूबर जिन्होंने 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स को क्रॉस किया। ऑल्सो भाई फर्स्ट तो आप जानती हो बीबी की वाइन है एंड सेकंड कैरी मिनाटी, ऑल्सो थर्ड है आशीष चंचलानी विद 9 मिलियन फॉलोअर्स। तो भाई मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू कैरी मिनाटी टू क्रॉस 10 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। तो भाई चलिए अब हम बात करते हैं हद बीसी के बारे में। तो भाई हद बीसी एक रोस्टिंग चैनल है यूट्यूब पर, जो कि भाई काफी बड़ा चैनल है एंड भाई इन्होंने अपने चैनल पर काफी दिनों से एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया एंड अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी कुछ एक्टिव नहीं थे। तो भाई इन्होंने कल अपने इंस्टा पर स्टोरी अपलोड की, जिसमें उन्होंने बताया कि भाई वो वापस आ रहे हैं। अगर आप हद बीसी के फैन हो तो ये आपके लिए गुड न्यूज है, इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो। फिर आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।